गाइस, ये है रानी पार्क। ये पड़ता है आपको बोरीगुमा के पास। यहाँ पे अभी बहुत ज़ोरदार डेवलपमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। ये है यार एंट्रेंस इसका, और ये कुछ इस तरह से है पार्क का इंट्रोडक्शन। यार यहाँ पे ना कुछ नहीं था पहले, खाली जंगल ही था, बस एक वाटरफॉल बस। अभी देखो कितना सुंदर डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे, देख लो कितना प्यारा लग रहा है गाइस। पत्थरों से बनाया गया है ये। चलो अब चलते हैं थोड़ा अंदर। ये ना गाइस पूरा प्योर जंगल है, और यहाँ पे अभी काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन जाएगा धीरे धीरे बहुत अच्छा पार्क। इसको बना रहे हैं एक पार्क, पार्क में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा जगह है, देखने लायक है। चलो ऊपर चलते हैं, वाटरफॉल देखेंगे। यार पानी तो क्या ही होगा, अभी पानी तो बहुत कम होगा। ये ना एक्चुअली बारिश वारिश में जो पानी गिरता है ना, तो पहाड़ है वहाँ से बह के आता है झरना, वही है। अभी तो बारिश यहाँ हुआ नहीं है, बहुत दिन हो गया, ठंड का दिन है और गर्मी हो रहा उल्टा। मतलब सुबह तो बहुत ठंड होता है, रात को भी बहुत ठंड होता है, लेकिन दिन भर बहुत धूप होता है। तो अभी पानी इतना है नहीं, थोड़ा बहुत है, गिर रहा है, बस टैप वाटर टाइप का है, झरना तो बोल ही नहीं सकते इसको अभी। यार सीढ़ियां बहुत सारी हैं, हालत बेंड हो गया है चढ़ते चढ़ते। चलो फिर भी ऊपर तो जाऊंगा, देखना तो है। ये देखो गाइस यहाँ भी कचरा, कचरा हर जगह मिलेगा यार, क्योंकि देश चुनौतियों से नहीं चूतियों से परेशान है। हाय, तो पहुंच तो गए, मगर ये क्या है, अब फिर उतरना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली ये रीच्ड द वॉटरफॉल। बढ़िया है यार, जब पानी गिरता होगा तो बहुत सुंदर दिखता होगा। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, जय श्री राम। तो अपन ने फिलहाल अभी रानी पार्क में, जैसे मैं आपको इंट्रो में ही बता दिया था, यार बालों को इग्नोर करो, हेलमेट पहना हुआ था। ये देख लो मेरे पीछे वाटरफॉल, तो पता नहीं यार यहाँ पे कैंपिंग करने देंगे या नहीं। यार इधर नहीं देखना होता, इधर देखना होता है। हाँ आदत हो जाएगा धीरे धीरे। तो पता नहीं यार अभी कैंपिंग करने यहाँ पे देंगे कि नहीं। नहीं भी देंगे तो यार बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, कहीं भी कर लेंगे, बहुत सुंदर जगह है यार। अभी ना दो औरतें बैठी हुई थी, मतलब
उम्र हो गया था, बूढ़ी बूढ़ी थी, उनको ना यार मैं रास्ता पूछा, मतलब बोर्ड तो लगा हुआ था रानीपुर का आने का, रास्ते में ना स्प्लिट हो गया था दो तरफ, तो मैं उन लोग ना साला मेरे को गलत रास्ते में पहुंचा दिए, मैं पहाड़ वाड़ चढ़ा दिया था बाइक में, फिर आगे ना रास्ते ही ख़त्म हो गया। फिर मैं रिटर्न आया, नहीं शायद वही रास्ता होगा, उन लोगों को मालूम नहीं होगा, सोचा इधर आया तो ये सही रास्ता मिला। फिर होता रहता है, अच्छा हुआ मेरे को कैंपिंग स्पॉट भी मिल गया, अच्छा जगह है वहाँ भी। तो अगर यहाँ करने नहीं दिए कैंपिंग, और वैसे यहाँ पे स्पेस भी इतना, मतलब प्लेन लेवल टेंट लगाने लायक कैसा स्पेस यहाँ पे दिख नहीं रहा। हाँ एक स्पेस तो है, पता नहीं अगर कैंपिंग करने देंगे या नहीं भी। और वैसे भी यार ऐसे कमर्शलाइज जगह में ना कैंपिंग करने मज़ा नहीं आता मेरे को ना, ऐसे मतलब लोगों के बीच ऐसा अच्छा नहीं लगता। अकेला मस्त आराम से एक थोड़ा सा अंदर जंगल वंगल में जहाँ कोई हो ना, वहाँ पे करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, मैं अपना एंजॉय पीस एंजॉय कर पाऊँगा। कैंपिंग अप मैं किस लिए आता हूँ यार, लोगों से दूर, शोर शराबे से दूर, बस पीस, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो वो तो यहाँ होगा नहीं, जगह बहुत है, करेंगे। ठीक है चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यार गाइस अभी मैं जा रहा हूँ और थोड़ा ऊपर, ये कच्चा रास्ता है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे वाटरफॉल के ऊपर जाएंगे। यार ये रास्ता मेरे को दिखा नहीं था, अभी अचानक से दिखा, तो मैं सोचा जहाँ तक रास्ता जाता है वहाँ तक तो जाना बनता है। क्या स्टीप चढ़ाई है यार, जबरदस्त। वाओ कितना सुंदर स्पॉट। मज़ा आ गया। तो ये रहा वाटरफॉल जो अपन नीचे से देख रहे थे। यार थोड़ा ना फॉरेस्ट एक्सप्लोर करेंगे, ये ना मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ पहाड़ चढ़ के, कितना स्टीप है देख लो, ये देखो बहुत ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, थक जाऊँगा, आदत नहीं है। और वैसे भी मेरे को ट्रैकिंग पसंद नहीं है, तो बस इतना ही, और ऊपर जाके क्या ही करूँगा। तो चलते हैं अपना कैंपिंग स्पॉट ढूंढेंगे, सूरज वैसे भी ढलने वाला है इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। अपना टेंट वेंट पिच करेंगे, चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों अभी मैं आया जंगल के अंदर से ड्राइविंग करते हुए, देख लो रास्ते दिख रहा ना, और यहां से अभी मैं ऐसे जंप कराते हुए आया, मजा आया यार ऑफ रोड, बहुत मजा आया, यहां से ऐसे चढ़ा के लेके आया मैं अभी।
ये अपना प्यारा सा जनरेटर कितना सुंदर लग रहा है यार, जंगल और जनरेटर भी। तो चलो अब ढूंढते अपना एक आइडियल कैंपिंग स्पॉट, फिर टेंट वेंट पिच करेंगे और करेंगे अपना कार्यक्रम शुरू। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद कैंपिंग स्पॉट के साथ। तो दोस्तों एक कैंपिंग स्पॉट ना मैं अभी सेलेक्ट किया था, ये प्लेन सा लेवल वाला ग्राउंड है यार, फॉरेस्ट के अंदर ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसा स्लोप है फॉरेस्ट, ठीक है, तो ना मतलब लेवल वाला ग्राउंड नहीं मिल रहा थोड़ा। ये फॉरेस्ट है, ये भी फॉरेस्ट ही है, ये एक लेवल वाला एक ग्राउंड मिला मेरे को, तो ये एक स्पॉट मेरे को ठीक लग रहा था। अच्छा ये देखो यार, यहाँ से नज़ारे, सुबह के नज़ारे तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा यहाँ। मगर मेरे को ना इससे भी अच्छा एक स्पॉट थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर मिल गया, तो अपन फॉरेस्ट कैंपिंग करना है, ऐसे यहाँ पे क्यों करें, चलो फॉरेस्ट में अंदर चलते। तो गाइस ये अपना दूसरा कैंपिंग स्पॉट, ये थोड़ा अंदर भी है, ये ग्राउंड भी प्लेन है, और यहाँ पे ग्राउंड प्लेन नहीं है, ये ना एक्चुअली ना कटा हुआ है रास्ता। ये 100% श्योर है कि वाटरफॉल का जो मतलब पानी बहने का रास्ता यही है, मतलब ये भी एक रास्ता है, ये देख लो रास्ता कटा हुआ है, तो यहाँ पे ना थोड़ा मिट्टी ठीक नहीं है, ये देख लो, मतलब खेतों में जैसा नहीं होता पानी सूख जाने के बाद से गड्ढे गड्ढे टाइप के, वैसा टाइप का है। ये स्पॉट ठीक है, इतना स्पॉट, तो आज यहीं पे करेंगे कैंपिंग। अंधेरा तो लगभग होने ही वाला है, वो देखो सूरज, आसमान देखो इतना सुंदर दिख रहा है। तो चलो टेंट पिच करते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, जंगल के अंदर हूँ तो अंधेरा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पेड़ पौधों का मतलब छाया आएगा तो अंधेरा तो हो ही जाएगा। चलो अब बातचीत खत्म करते हैं, टेंट फटाफट लगाता हूँ। तो दोस्तों टेंट हो गया है पिच, सुंदर से वादी में देख लो इतना प्यारा लग रहा है, हल्का हल्का सूरज ढल रहा है, हल्का हल्का सा एकदम रोशनी पड़ रहा है यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों पे, बहुत सुंदर लग रहा है यार नज़ारा सच में। तो बैग वैग में रखा नहीं हूँ टेंट के अंदर, बैग रख दूंगा टेंट में, टेंट के इस साइड में रख दूंगा मैं अपना जनरेटर, और फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करेंगे अपना कुकिंग, क्योंकि कुकिंग लाइट रहते ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है यार, फिर मैं ना आराम से चिल कर पाऊंगा, एंजॉय कर पाऊंगा मोमेंट, बहुत मज़ा आएगा। तो ये देख लो सुंदर सा वादी। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ जंगल के अंदर, यहाँ ना एक छोटा सा ये देखो ट्रेल बना हुआ है, ट्रेल से अपन चढ़ेंगे ऊपर, थोड़ा करेंगे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर, यहाँ क्या है। तो गाइस देखे जैसे मैं बोला था, ये झरने का ही रास्ता है, यहाँ से पानी गिरता है वाटरफॉल, और यहाँ से ऐसे बहते हुए इस नीचे से जाता है, जहाँ पे मैं पिच किया हूँ टेंट वहीं पे। तो मैं ज़्यादा अंदर तो आया नहीं था, क्योंकि जैसे कि आपने देखा रास्ता तो ख़त्म हो गया, उसके आगे और रास्ता था ही नहीं, अगर होता तो और अंदर जाते, चलो कोई नहीं। अब दूसरे तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या है उधर, इतने अच्छे अच्छे हिडन स्पॉट्स हैं, और मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे हिडन स्पॉट्स ढूंढने में। तो गाइस ये देख लो अपना सुंदर सा जनरेटर और अपना टेंट, टेंट के अंदर मैं रख चुका हूँ अपना बैग वैग सब,
उस तरफ थोड़ा चलेंगे, देखते हैं क्या है। तो गाइस फॉरेस्ट एक्सप्लोर हो गया खत्म, अभी चल रहा है थोड़ा चिल टाइम। यूट्यूब में रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक मूवी डाउनलोड किया हूँ हॉलीवुड का है, थोड़ा देखूँगा, उसके बाद स्टार्ट करूँगा कुकिंग। तो यार कितना मस्त लग रहा है, आराम से टेंट पे लेटा हुआ हूँ, ये देखो व्यूज़ सामने के, अपने आगे सनसेट होते हुए देखूँगा, मज़ा आएगा। उसके बाद कुकिंग स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं थोड़ा चिल करता हूँ, कैंपिंग के मज़े उठाता हूँ। तो गाइस अपना मटन हो गया मैरिनेट बढ़िया से, इसमें डला है मीट मसाला और थोड़ा सा चिकन मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी जीरा धनिया और मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च मैं लाना भूल गया, चलो कोई नहीं, और धनिया पत्ता और दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट, बस नमक ही नहीं डला है, अभी डाल देंगे इसमें नमक अभी नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं कुकिंग, अपन कुकिंग करेंगे सरसों के तेल में। यार मेरे को ना सरसों का तेल बहुत पसंद है, सरसों का तेल या तो घी, घी बटर जो भी, और कोई सा तेल मेरे को पसंद नहीं। चलो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो गैस तेल हो गया है गरम, अब डालेंगे इसमें अपन प्याज, तो दोस्तों अब डल चुका है अपना मटन, अभी ही डाला, रिकॉर्ड करना भूल गया था सॉरी। मटन हो गया है लगभग, लगभग क्या कुक हो ही गया है मटन, अब डालेंगे इसमें चावल। तो दोस्तों अपना मटन बिरयानी, डिलीशियस मटन बिरयानी हो गया रेडी, ये रायता, रायता और मटन बिरयानी खाएंगे आज, मस्त मज़ा आ गया। टेस्ट मैं कर चुका हूँ, टेस्ट बहुत बढ़िया है, तीखा थोड़ा नहीं हुआ यार, मिर्च कम पड़ गया, कच्चा मिर्ची और होता ना मज़ा आ जाता, मैं ना तीखा थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ ऐसे नॉनवेज में, नॉर्मली नहीं खाता। तो गाइस मेरा डिनर कंप्लीट हो गया, अभी मैं सोने चलता हूँ, नींद भी लग रहा है, टाइम हो गया लगभग 11 बज गया। डिनर करने के बाद मैं थोड़ा देर चिल कर रहा था, यूट्यूब में वीडियोस देख रहा था, रील स्क्रॉल कर रहा था। चलो अभी चलते हैं सोने, यार टैनिंग बहुत हो रखा है यार मेरे को, बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है, देख लो बहुत ज़्यादा टैनिंग है, इसका कुछ करेंगे घर जाने के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया, अभी बज रहा है 6, ये मैं गैस ऑन करके रखा था, उठ तो मैं 5 बजे गया था, थोड़ा ठंड लगा तो मस्त गैस लगा के सेक रहा था मैं आपको।
ये देख लो यार, आसमान कितना आर्टिफिशियल सा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है।